यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा नीरज कुमार यादव उर्फ राहुल यादव बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के गायघाट गांव का निवासी है। उसने परीक्षा के पहले ही परीक्षार्थियों को व्हाट्सएप के जरिए आंसर भेजा था। आरोपी नीरज यादव खुद को सेना का जवान बताकर लोगों को ठगता था। विभिन्न परीक्षाओं में सिधमारी कर परीक्षा पास कराने का भरोसा देकर मोटी रकम वसूलता था। गिरफ्तार नीरज को स्थानीय लोग राहुल यादव के नाम से भी जानते थे। आरोपी नीरज यादव खुद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी दिया था, वह पुलिस बनना चाहता था। आरोपी नीरज यादव के पिता हरे राम यादव मीडिया पर ही भड़क गए और कहा कि उसे फांसी हो जाए, ऐसा बेटा मर जाए, अब मैं उसका गार्जियन नहीं हूँ, नकल किया है, भाड़ में जाए, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरी सारी प्रतिष्ठा चली गई। नीरज यादव के तीन भाई और एक बहन है। बेटा है, बेटा वैसा मर जाए, हाँ बेटे से कोई मतलब नहीं, ना कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना, नकल किया गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे। आपके तीन बेटे हैं? हाँ तीन बेटे, एक बेटा को जानेंगे कि मर गया सारा, फांसी हो जाए मर जाए क्या मतलब है, हम गार्जियन अब उनके नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला गया। इस पूरे मामले में बलिया पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने कहा कि आरोपी नीरज यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, वह एक फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है और लोगों को मर्चेंट नेवी का जवान बताता है। पुलिस परीक्षा नकल मामले में जेल में बंद है, पुलिस जेल में जाकर पूछताछ करेगी। बलिया में जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया, बलिया का वो अपराधी है कहाँ का रहने वाला है और क्या उसके रिकॉर्ड है और किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? ये पुलिस आरक्षी भर्ती का जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें एसटीएफ के द्वारा एक अभियुक्त है नीरज यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये जो अभियुक्त है ये मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, तो इसके बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है तो ये एक फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और ये अपने गांव में जो कि थाना हल्दी में गायघाट गांव है वहां का रहने वाला है। वहां पर भी लोगों को ये बताता था झूठ कि हम मर्चेंट नेवी में हैं, हम यहां नौकरी करते हैं, और ज़्यादातर ये बलिया से बाहर ही रहता था। तो इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, बाकी इसकी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग निकलवा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई है। इसके साथ ही जो बलिया में हम लोगों ने 11 अभियोग पंजीकृत किए थे इसी परिप्रेक्ष्य में 23 मुलिमों को हम लोगों ने जेल भेजा था, उनसे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि उनसे इस व्यक्ति का कोई लिंकेज तो नहीं, अगर कोई लिंकेज होगा तो उस पर हम लोग उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। जेल में पुलिस की टीम जाएगी सर जांच करने के लिए? हाँ, वो हम लोग जो जेल में निरुद्ध है उनसे हम लोग माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। ठीक। नीरज यादव सेना भर्ती परीक्षा में छट गया था लेकिन वह सेना का जवान बताकर नौजवानों को भ्रमित करता था। विभिन्न परीक्षाओं में सिधमारी कर परीक्षा पास कराने का उसने 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी परीक्षा शुरू होने के काफी पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसके जवाब भी व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए थे। इसके बाद पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने पेपर को निरस्त करते हुए जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ ने अपनी शुरुआती जांच में पेपर लीक गिरोह के प्रमुख सदस्य रहे नीरज कुमार यादव को धड़ दबोचा। यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।